हाय हाय विकास सर, वेलकम अगेन इन योर फेवरेट कोचिंग एनआईएस विजन पॉइंट। बेटा आपका जो बायो का सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सिलेबस कंडक्ट हो रहा था, आपका सेकेंड चैप्टर प्लांट एंड एनिमल किंगडम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में जिम्नोस्पर्म पे पूरी की पूरी कहानी आपको बताई गई, लाइफ साइकिल बताया गया, उनके एग्जाम्पल बताए गए। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए क्या उसी चैप्टर से प्लांटी किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक। आप जानते हो सबसे डेवलप टॉपिक आपका कौन सा था बेटा, एंजियोस्पर्म। जिम्नो तक तो हमने फाइनल कर लिया है। ओके, तो आप देखिएगा कंटिन्यूटी वीडियो में मेंटेन रख के देखिएगा, आपको मजा आएगा, बढ़िया लगेगा कि एक एक टॉपिक बढ़िया से सब पे डिस्कस किया गया है, सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक लेक्चर में कोशिश किया गया है कि एक ही टॉपिक को उठाया जाए और फाइनलाइज किया जाए। और एंजियोस्पर्म के बाद जो प्लांट किंगडम के बेटा रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो कंटिन्यू मेंटेन रखिएगा और सिलेबस अपना देखते रहिएगा। एंजियोस्पर्म आज हम लोग तुरंत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि आप जानते हो इनको डिटेल हम फैमिलीज में पढ़ेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी फैमिली में डिस्कस की जाएगी, बट बेसिक प्रॉपर्टी हम एंजियोस्पर्म और डाइकॉट मोनोकॉट इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो एंजियोस्पर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आइए एक बार जान लेते हैं। हमने कहा बहुत डिटेल यहाँ हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इनकी फैमिलीज़ हम अभी पढ़ेंगे, तो फैमिलीज़ में जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी फाइलम की वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस डिवीज़न का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्मिक जो हमारा प्लांट है बेटा, ये सीड प्लांट में बिलोंग करता है जहाँ पर आपका जिम्नोस्पर्म बिलोंग करता है। मीन्स ये क्या है, फेनरोगेमस प्लांट है, बट वो वहाँ से अलग है, जिम्नोस्पर्म से अलग है। क्यों अलग है? ऑल एंजियोस्पर्म शेयर टू इंपॉर्टेंट ट्रेट। जितने भी दुनिया में एंजियोस्पर्म होंगे दो इंपॉर्टेंट ट्रेट उनमें होना बहुत जरूरी है। पहला, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, दे प्रोड्यूस सीड दैट इनक्लोज इन फ्रूट। सबसे बड़ी बात, एनजीओ का मतलब ही होता है, एनजीओ का क्या मतलब होता है, एनजीओ का मतलब होता है क्लोज्ड। एनजीओ का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लोज मतलब बंद, स्पर्मा मतलब स्पर्म मतलब सीड। तो जहां पे सीड क्लोज हो, क्लोज मतलब कहां पे, क्लोज इन द सेंस जहां पे हमारा सीड बंद हो, किसमें, फ्रूट में। तो यहां पे आपको दिखेगा फ्रूट्स के अंदर हमारा सीड है। सिंपल सी बात, एकदम एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, फ्रूट फार्मिंग फ्रूट बियरिंग प्लांट आर नोन एज एंजियोस्पर्म। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, चारों पांचों पॉइंट, ये चारों पॉइंट नोट करिए, तुरंत नोट करिए। एंजियोस्पर्म की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? पहला, हम आपको बार बार हर वीडियो में चीज़ बताते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, ओके, मिस नहीं करना, हर पॉइंट नोट करना ही नहीं, बस देख रहे हो देखते चले गए, कॉपी बनानी है आप लोगों को, इसकी पूरा सिलेबस आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, तो एंजियोस्पर्म बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ सीड प्लांट हो गया। सेकंड पॉइंट, ऑल एंजियोस्पर्म शेयर टू इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, दो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स शेयर करेंगे, पहला प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सेकंड प्रोड्यूस सीड दैट आर इंक्लोज इन फ्रूट। फ्रूट फार्मिंग प्लांट है ये, यू नो दैट। अब हम बात करने वाले हैं एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, हम देख लेते हैं इस प्लांट के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है और कौन सा सिस्टम क्या वर्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम सोयल के अंदर के बात करेंगे, रूट सिस्टम की हम बात करेंगे। देखिए सोयल के अंदर बेटा जो हमारा प्लांट है, यहाँ पे रूट सिस्टम पाया जाता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड सो ऑन रूट्स पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। आप प्लांट को वीडियो रोक करके पहले स्केच बना लेंगे, स्केच बनाने के बाद वन बाई वन करके आप नोट करेंगे। ओके, पहले तो आप स्केच बना लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं पॉइंट। देखिए अंडरग्राउंड सोयल क्या है, रूट सिस्टम है जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपको रूट नज़र आ रहे हैं। ये एक प्लांट को बेटा होल्ड करते हैं सोयल से, प्लांट इन्हीं के होल्डिंग से खड़ा रहता है, ठीक है। नहीं तो हवा चलती गिर जाए प्लांट, वो उड़ जाए बेचारा जहाँ है वहाँ से, कहीं दूर चला गया। तो ये होल्डिंग जो सबस्ट्रेटम से है, सरफेस से है, वो रूट की वजह से है। दूसरा, प्लांट को जो इसेंशियल वाटर मिनरल है, वाटर एंड मिनरल, इसेंशियल वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, रूट करता है। रूट सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके क्या करता है बेटा, प्लांट बॉडीज को सप्लाई करता है।
और देन प्लांट बॉडी फूड ट्रेवल करते हैं, यहाँ तक फूड भी पहुँचता है। तो रूट प्लांट के लिए सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है यहाँ पे कि वाटर मिनरल एब्जर्ब करके प्रोवाइड कर रहा है एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सूट सिस्टम, आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखने वाला सूट सिस्टम आपका है, जहाँ पे सूट सिस्टम में आप देखोगे स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड एक्सेट्रा चीज़ें पाई जाती हैं। तो वन बाई वन पहले हम स्टेम की बात करेंगे। सूट सिस्टम में स्टेम आप देखोगे हर्बेसियस या वुडी, यहाँ पे स्टेम होगा। सूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा स्टेम, जहाँ पे डिफरेंट मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिकल है, लेटरल, इंटरकैलरी है, अभी एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे इसको। ये टिश्यूज क्या करते हैं, बड का फॉर्मेशन करते हैं, लीफ का फॉर्मेशन करते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले स्टेम का क्या काम होता है, ये डिफरेंट ब्रांच जो पार्ट हैं उनको होल्ड करते हैं। लीफ कहाँ रहेगी, हवा में थोड़ी रहेगी लीफ, लीफ कहीं ना कहीं अटैच होगी ना बेटा, फ्लावर कहीं ना कहीं अटैच होगा, तो कहाँ अटैच होगा, तो स्टेम इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्टेम के ऊपर ये अटैच रहेंगे जगह जगह से। ओके, तो आप देखिए इनमें सबका अटैचमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेम पे क्या अटैच है, लीफ आपका पहले बड बनता है, याद रखिएगा, बड से देन लीफ अराइज होती है, बड से हमारा फ्लोरल बड बनता है, देन फ्लावर से हमारा फ्रूट बनता है। ओके, तो फ्लावर क्या है प्लांट के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी इसकी है। देन फ्रूट, ये स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, एंड सीड कंटेनिंग प्लांट होता है, सीड कंटेनिंग पार्ट होता है, ये न्यू प्लांट बनाने में मदद करेगा, याद रखिएगा। तो ये प्लांट के डिफरेंट पोर्शंस हैं, जहां पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, डिफरेंट पोर्शन को आप देख रहे हो, जहां पे एक एक करके सबका फंक्शन आपको बताया जा रहा है। ओके, तो आप देखिए मेजर हमारा जो प्लांट होता है बेटा, जब फ्रूट देखोगे, फ्रूट के अंदर क्या देखोगे, सीड देखोगे आप, है ना, सीड। तो आपने सीड गेस किया है, जैसे आप पल्सेस देखते हो, तो आप लोग क्या दिखता है पल्सेस में, आप देखते हो कि सर हाँ वहाँ पे तो दालें पाई जाती हैं, पल्सेस को देखते हैं दो भाई फरकेट रहते हैं सीड उनके, बट राइस है, वीट है, ये सब क्या एक एक स्ट्रक्चर होते हैं सीड में उनके। तो इन्हें हम कॉटलीडन बोलते हैं, जो सीड लीफ होती है एक्चुअली में। तो सीड लीफ एंजियोस्पर्म में यदि दो कॉटलीडन है तो आप डाईकॉट बोलते हो, एक कॉटलीडन है तो मोनोकॉट बोलते हो। इसका मतलब हम सीड का जो स्ट्रक्चर है कॉटलीडन का, उसके बेस पे हम अपने फ्लावरिंग प्लांट को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकॉट एंड डाईकॉट। तो हम एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो इसको आप फंक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डाईकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। आप देखिए यहाँ पर आ गया है, नोट करिए सब लोग, मोनोकॉट एंड डाईकॉट प्लांट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, तो मोनोकॉट है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मोनोकॉट, देन डाईकॉट वन बाई वन। मोनोकॉट का प्लांट आप देख रहे हो, मोनोकॉट के मोस्टली प्लांट जो होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ये हर्बेसियस और एनुअल प्लांट होते हैं। मोस्टली आपको दिखेगा मोनोकॉट के जो प्लांट हैं वो हर्बेसियस एंड एनुअल होते हैं, पहला पॉइंट। और जो डाईकॉट का प्लांट हमारा है वो ये मोस्टली पेरिनियल होता है, वुडी होता है, पेरिनियल प्लांट होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा, वुडी प्लांट होते हैं। तो पेरिनियल एंड वुडी प्लांट यहां पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो पहला डिफरेंस सीड में हम आपको बताने वाले थे, अभी हम बता भी रहे थे। तो आप सीड में यहां पे देखिएगा, पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, सिंगल कॉटलीडन, एक कॉटलीडन देखिए यहां पर, यह इनका एंडोस्पर्म है, यहाँ पे कॉटलीडन है एक सिर्फ, तो सिंगल कॉटलीडन यहाँ पे पाया जाता है। बट डाईकॉट में देखिए दो कॉटलीडन है, एक ये एक ये। पल्सेस आप देखो ओपन करके चेक कर सकते हो, मेज में देखो एक रहता है इनसाइड, राइस में एक रहता है बेटा, है ना, बट ग्राम वगैरह देखो आप दो दो दिखेगा कॉटलीडन लीफ। लीफ की बात कर लेते हैं, लीफ का जो वेनेशन है, ध्यान देना, लीफ का जो वेनेशन आप देखोगे यहाँ पे मोनोकॉट में, तो वेन बेटा एंड से राइज होंगी, एंड तक जाएंगी, पैरेलल चलेंगी मिड वेन के, ये देखिए एक दूसरे के क्या चल रही हैं, पैरेलल रन कर रही हैं। तो पैरेलल समझ रहे हो ना, इस तरह से देखिए पैरेलल है ये, तो यहाँ पे लीफ पैरेलल रन करती हैं क्या, वेन्स, इसलिए यहाँ पे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे आप,
पैरेलल विनेशन कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन है या ब्रांच्ड विनेशन भी बोलते हैं, रेटिकुलेट विनेशन बोलोगे आप। तो रेटिकुलेट विनेशन का क्या मतलब होगा, आप पीपल का प्लांट देखो, मैंगो का प्लांट देखो, उन सब में ध्यान से देखो, आपको नेटवर्क दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, इस तरह से आप देखोगे ब्रांच नेटवर्क दिखेगा, खूब ढेर सारा नेटवर्क दिखेगा। ओके, तो वेनेशन क्लियर हुआ आप लोगों को, यहां पे किस तरह से वेनेशन होगा, पैरेलल टू इच अदर, तो पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होगा, और डाइकॉट का कैसा वेनेशन हम देख रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, ब्रांच वेनेशन देख रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, स्टेम। स्टेम में खास बात बेटा, हमने कहा था ये हर्बेशियस होंगे, ये वुडी होंगे, और यहाँ पे जो इनके स्टेम होते हैं, इनका वैस्कुलर बंडल जो होता है, स्टेम का सेक्शन कट करोगे तो कहीं भी दिखेगा, स्कैटरिंग दिखेगा, वैस्कुलर बंडल कहीं भी हो सकता है। तो इरेगुलर वे से होने की वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते हैं। तो पहला यहाँ थर्ड पॉइंट नोट करिएगा, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्लियर, ये थर्ड पॉइंट है आपका। और सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे क्या दिखेगा आपको, एब्सेंट दिखेगा, क्यों, क्योंकि स्कैटर्ड में जो है कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली यहां आपको नजर नहीं आएगा। डाइकॉट की बात कर लें, डाइकॉट में आप देखोगे वैस्कुलर बंडल आपको लीनियर वे में, बिसेंटर में, आप एक रिंग में दिखेंगे, जहाँ पे इजिली कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है, और कैम्बियम यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा भी आपको दिख जाएगा कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या है, एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम, यू नो दैट मेरिस्टेम का मतलब होता है बेटा टू डिवाइड, जो डिवाइड कर सके। तो ये मेरिस्टेम यहाँ पे है, तो ये सेंटर में डिवाइड करेगा, और प्लांट क्या होगा, स्टेम गर्थ में मोटा होगा, धीरे 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 उसकी एरिया लाइन बढ़ेगी, तो वहां पे आपको ग्रोथ दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, रूट, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम। क्लियर, देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा दिख सकता है, हम अलग से भी बता दे रहे हैं। यहां भी देखेंगे बेटा कि जहां स्टेम बेस है, बेस से ही कई स्टेम के ब्रांच आपको नजर आएंगे, ये देखिए फाइब्रस में, एकदम क्लियर। फाइब्रस मींस क्या है, बेस से ही आपको ढेर सारे ब्रांच अराइज होते दिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ब्रांच आएगा फर्दर डिवाइड होगा, मेनी ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। नोट कर लिया, ये सब मोनोकॉट का इधर है, लेफ्ट आप देखिए इधर मोनोकॉट है, राइट साइड में डाइकॉट है। राइट साइड वाला देखिए आप, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, स्टेम बेस से देखिए सिंगल अराइज हो रहा है ब्रांच, एंड देन यहां पे ब्रांचिंग हो रही है उसके अंदर फर्दर, तो पहले प्राइमरी रूट अराइज होता है, देन सेकेंडरी, टर्सरी, एंसवान आएगा, तो ऐसे रूट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम कहेंगे, सिंपल, और क्या कह सकते हैं। तो सिंपल टैप रूट सिस्टम आपको नजर आ रहा है, तो ये इनमें क्या था बेटा, देखिए रूट के डिफरेंसेस आप देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर की हम बात कर लेते हैं, फ्लावर में किस तरह का आपको दिखेगा, फ्लावर के जो पार्ट होंगे बेटा, जो मोनोकॉट है, यहाँ ये मल्टीपल ऑफ थ्री ट्राइमेरस होते हैं, तीन तीन के अरेंजमेंट में दिखेगा, तीन पेटल्स हैं, तीन सेपल्स हैं, इस तरह से दिखेगा, जबकि आपका जो डाइकॉट है मोस्टली यहाँ फोर या फाइव के अरेंजमेंट में नजर आएंगे, फोर पेटल्स हैं, फोर सेपल्स हैं, या फाइव पेटल्स हैं, फाइव सेपल्स हैं, इनका ये अरेंजमेंट आपको नजर आता है। ओके, तो बहुत बढ़िया डिफरेंस, आप लोग इसको जरूर नोट रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में बेटा ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पॉइंट वाइज आप स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर टैप रूट का बना लो, लीफ वाला बना लेना, बाकी सबके नेम आप नोट करिए। ओके, स्ट्रक्चर सबका कंपलसरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए साथ में, डिफरेंस जरूर नोट करिएगा। देखिए एंजियोस्पर्म में अभी भी हमने डिस्कस किया था बेटा, एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इनका जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को हम वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तो हम यहाँ पे पढ़ ही लें इनको। तो इन्हें हमने डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया है, फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ फैमिलीज यहाँ दी हुई हैं। देखिए हम लोग दो फैमिली जो है डाइकॉट का, डाइकॉट प्लांट्स के,
एंड दो फैमिली मोनोकॉट के। तो आप फैमिलीज का मतलब आप जब ग्रुप डिवाइड किया गया है डिवीजन का, ये फैमिलीज दी गई हैं। तो फैबेसी पी फैमिली, ये डाइकॉट की फैमिली है। मालवेसी चाइना रोज की फैमिली, डाइकॉट की फैमिली है, दोनों फैमिलीज हम लोग पढ़ेंगे। एंड मोनोकॉट में लिलिएसी एंड पिवेसी फैमिलीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो आप जिम्नो एंजियोस्पर्म नियर अबाउट आप जानते हो, प्लांट किंगडम का हमारा ये आखिरी टॉपिक है। तो आप जो भी प्रीवियस लेक्चर हैं कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, यहाँ तक आएँ, एंड देन फैमिलीज पे हम अभी कमिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर देखते रहें और इनका रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आपके लिए आने वाले हैं। तो फैमिलीज ज़रूर देखें। और बेटा कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों को, कहीं भी कोई डाउट लगता है कि हाँ हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। और किसी क्वेरीज के लिए आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।